रायसेन जिले के बाड़ी के अंतर्गत ग्राम पारत लाई में बीजीसीसी ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यालय पर प्रातः 7 बजे आयकर विभाग के लगभग 15 सदस्यीय टीम ने अचानक छापा मारा। अधिकारी के अनुसार कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, आगे जांच जारी रहेगी। बीजीसीसी राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 12 पर बिकने से बरेली तक फोरलेन सड़क का निर्माण कर रही है, जिसकी लागत 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है और कार्यवाही के चलते कार्यालय परिसर में आवागमन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि बीजीसीसी कंपनी पूर्व से ही विवादों के घेरे में रही है, लेकिन अब आयकर विभाग के चंगुल में फंसती नजर आ रही है। यहाँ आयकर विभाग में नाम का कोई महत्व नहीं होता है जी। हम लोगों की टीम बनती है, इधर देखिए, हम सीधे आते हैं और कार्रवाई करते हैं। कितनी सदस्यीय टीम है आपकी? 15 से 20 सदस्यीय टीम है, हम भोपाल से आए। सर, जो क्या कार्रवाई की गई है? स्वाभाविक है कि आयकर विभाग से जो टीम आई है तो आयकर की ही कार्रवाई की जाएगी। तो किसी की शिकायत दर्ज पे है ये मामला? ये क्या, ये तो शिकायत दर्ज पे हो भी सकता है या हमारी जांच पे हो सकता है, ये इंटरनल मैटर है। ये अभी तक क्या पाया गया? अभी तक कार्रवाई चल रही है। कितने स्थानों पे मतलब कार्रवाई की गई है एक साथ? ये भोपाल में है, यहाँ है, और भी जिन जिन के यहाँ जहाँ जहाँ संस्थान है वहाँ सब जगह एक साथ कार्रवाई की गई है। बीजेसीसी के कितने ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है? लगभग 25 से 30 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, और जो भी नए मिलते जाएंगे उन पर भी कार्रवाई होती जाएगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रायसेन से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।